स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु अब सिनेमा घर में रिलीज हो गई है और पहले दिन इस फिल्म का जो कलेक्शन आया है वो काफ़ी अच्छा आया है। वो एक उम्मीद सी जगी थी कि भाई चलो आखिर में साल के अंत में भी कुछ तो बॉलीवुड से ऐसा आया जो हमें खुश कर सके। लेकिन दूसरे दिन का जिस तरह का कलेक्शन आया है, दूसरे दिन की जिस तरह की ऑक्यूपेंसी हमारे सामने आई है, उससे लगता है कि भाई अब बॉलीवुड के पास कोई कॉन्टेंट है ही नहीं। और जो उम्मीदें हमें लगा रहे रखे थे कि भाई ये फिल्म अक्षय कुमार का करियर जो है वो बचा लेगी, लेकिन दूसरे दिन के कलेक्शन के हिसाब से अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अक्षय कुमार की साल में 3 से 4 फिल्में, मैं तो कहूँगा 5 से 6 फिल्मों तो आती ही है, हर 2 महीने में 1 फिल्म आती है, तो 6 से 7 फिल्में लगभग अक्षय कुमार की आ ही जाती है। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मुझे यही लगता है कि हर दूसरे महीने हम अक्षय कुमार को देखते हैं और हमें लगभग अंदर से ऐसा लगता है कि भाई अब ये बंदा ऐसी एक्टिंग करेगा, अब ये बंदा ऐसी एक्टिंग करेगा। तो अक्षय कुमार का जो काम है वो अब सेम टू सेम लग रहा है हर फिल्म में। तो मुझे लगता है अक्षय कुमार को अब छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए 1-2 साल का, जैसे शाहरुख खान ने लिया था। और अब जब वो कमबैक कर रहे हैं पठान के साथ, तो आपको पता ही है किस तरह की न्यूज़ मार्केट में चल रही है, कैसा बज मार्केट में है पठान को लेकर। तो अक्षय कुमार शायद 1-2 साल का ब्रेक ले ले और कोई ऐसी धमाकेदार फिल्म लेके आए जो सबको शॉक कर दे। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, 2 साल का ब्रेक ले ले। अब दूसरे दिन का जो कलेक्शन है, दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी है, हिंदी लैंग्वेज की अगर दोस्तों बात करें तो 19% ऑक्यूपेंसी थी राम सेतु फिल्म की हिंदी में, जो कि काफ़ी कम थी। ऐसा तो अब हम नहीं कह सकते कि भाई वीकेंड आएगा तो ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, कलेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि अब तो छुट्टियां चल रही है तो पूरा हफ्ता छुट्टी ही है लोगों के पास, कोई काम धंधा है नहीं। तो अब ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते कि भाई जब सैटरडे संडे आएगा तो ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, कलेक्शन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अब हर दिन ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए क्योंकि लोगों के पास अब टाइम और टाइम 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 ही है। तो ऑक्यूपेंसी तो काफ़ी ख़राब थी पहले दिन के मुकाबले। इस फिल्म का जो दूसरे दिन का कलेक्शन आया वो भी काफ़ी कम था। पहले दिन 15 करोड़ के ऊपर आया था, लेकिन दूसरे दिन 10 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन आया है टोटल, तो काफ़ी निराश कर रहा है। 2 दिन का मिला के इस फिल्म का कलेक्शन जो है वो 34 करोड़ के आसपास हो जाता है। अब इस फिल्म का बजट दोस्तों 150 करोड़ रुपये है, जो कि वहाँ तक पहुँचना लगभग अभी से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नामुमकिन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर थोड़े लंबे टाइम के लिए फिल्म चली तो पहुँच भी पाएगी, लेकिन मुश्किल अभी से लग रहा है 150 करोड़ तक पहुँचना। अब दिवाली के टाइम पे 100-150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करना अगर इतना मुश्किल हो, तो आप सोचिए कि पब्लिक को अभी भी नया टॉपिक है बॉलीवुड में फिर भी पसंद नहीं आया, तो कुछ कमियां और कुछ खामियां फिल्म में अभी भी है। तो ये तो था दूसरे दिन का कलेक्शन। तीसरे दिन के कलेक्शन की दोस्तों भी प्रिडिक्शन लगाए तो 8 करोड़ के आसपास का प्रिडिक्शन अभी आया है, जो कि छुट्टियों के दिन में भी अगर कलेक्शन हर दिन कम होता गया तो फिर इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो 80 करोड़ के आसपास का भी नहीं होगा। आपको कैसी लगी फिल्म मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।